ऐसे दौर में जब देश के महामहिम राष्ट्रपति आदिवासी हों महिला हों उनका सार्वजनिक अपमान, देश के उपराष्ट्रपति को दरकिनार करना और ये बदलता हिंदुस्तान, ये पुरखों का हिंदुस्तान और ये वर्तमान हिंदुस्तान जो मोदी का हिंदुस्तान है, यह निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती के रूप में है। तो विपक्षी एकता की बैठक स्वाभाविक रूप से माननीय नीतीश कुमार जी वॉइस ऑफ अपोजिशन हैं, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में यह बैठक आहूत की गई है और यह बैठक 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक परिघटना होगा। इस संबंध में तो औपचारिक रूप से जो घटक दल है हमारा वही बता सकता है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अम्बेडकर से लेकर के देश के आज़ादी के आंदोलन के नायक के संसद की यह तस्वीर और आज की यह तस्वीर है। कहाँ है लोकसभा अध्यक्ष, कहाँ है महामहिम राष्ट्रपति, कहाँ है उपराष्ट्रपति, कहाँ है राज्यों के मुख्यमंत्री? ये कौन हिंदुस्तान बन रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी? यही हिंदुस्तान की परिकल्पना हमारे पुरखों ने किया है। ये पुरखों का सीधा सीधी नरेंद्र मोदी ने अपमान किया है उस परंपरा का जो हमारे पुरखों ने स्थापित किया था। हरेक राजनीतिक दल को कार्यक्रम करने का अधिकार है, लेकिन हमारा नारा है देश बेहाल और अदानी मोदी दोस्ती बेमिसाल। तो 2013 में जो भाजपा और के समर्थक पटना गांधी मैदान में मारे गए थे, आदरणीय नरेंद्र मोदी तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने वायदा किया था कि हम नौकरी देंगे, आपका परवरिश करेंगे। 6 वर्ष हो गया, उनके घर पर कब पूर्णिमा को जाइएगा, क्या अमावस्या को जाइएगा, कब जाएंगे भाजपा के नेता यह स्पष्ट करें। कौन सा काम इन लोगों ने किया है? 8 लाख लगभग रोजगार दे पाए आप केंद्रीय सेवाओं में? आपकी स्थिति यही है ना? आपने इस देश को सामाजिक तनाव में डाल दिया। मणिपुर जैसा हमारा मुकुट, आज क्या परेशानी है? जम्मू कश्मीर के अंदर में क्या हालात है? दंतेवाड़ा में हमारे अर्धसैनिक बल, और उससे भी बड़ा गुनाह आपने किया है अग्निवीर के नाम पर। नेता की नौकरी होगी 5 वर्ष का और अग्निवीर की नौकरी 4 वर्ष का, पेंशन नहीं, अनुकंपा नहीं, इस सारे गुनाह का जनता 2024 में जवाब देगी। अरे बिल्कुल, जिस तरीके का आचरण पार्लियामेंट में दंड देने का प्रावधान है, ये कौन सा? आप न्यायपालिका को भी अपने नियंत्रण में करना चाहते हैं? जिस प्रतीक की आप बात कर रहे हैं देश के, और लगातार आप यह बात बोलते रहे कि देश के अंदर 70 वर्षों में कोई काम नहीं हुआ, पंडित नेहरू के प्रति किस ढंग की टिप्पणी आप लोगों ने किया है, यह सर्वविदित है। उसी पार्लियामेंट के अंदर में जो पार्लियामेंट महायोगिनी मंदिर का स्वरूप था, बौद्ध स्तूप था, वहाँ बैठ करके, और वो आनंद आश्रम में रखा हुआ था, वो प्रतीक के रूप में आपने पार्लियामेंट के अंदर स्थापित कर दिया। तो हम यह जानना चाहते हैं कि मगध साम्राज्य के प्रति, मगध राजवंश के प्रति आपकी अनापत्ति क्यों? सम्राट अशोक के द्वारा जो प्रतीक चिन्ह है, वह प्रतीक चिन्ह से आपकी नाराजगी किस बात की है? यह आदरणीय नरेंद्र मोदी और भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए।